आज तमाम अधिकारियों के साथ आपने बैठक ली है, किन विषयों पर चर्चा की गई? ये हमारा बड़ा रेगुलर होता है कि रिव्यू करते रहते हैं। आज दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का जो दिल्ली रीजन था, इसका हमने रिव्यू करा। उसमें हमारे MD साहब थे, हमारे डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर, सारे HC जो थे, उनके एक मीटिंग से रिव्यू करने का रेगुलर एक फीचर है हमारा, हम करते रहते हैं हर 3 महीने 4 महीने। कांग्रेस ने आज से एक अभियान की शुरुआत की है, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। देखिए, इन बातों से कुछ नहीं है, मीडिया वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं भी नहीं है। घर घर कांग्रेस गुजरात में भी थी, आपका राजस्थान में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, छत्तीसगढ़, कहीं घर घर तो रही नहीं, सब जगह बंद घर मिले, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। पहले भी राहुल गांधी ने 12 जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और अब 12 जोड़ो। देखिए, डेमोक्रेसी में कोई कुछ, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप है, 145 करोड़ की आबादी है, किसी को हर अधिकार है कहीं घूमने का, पब्लिक तय करती है। इस वक्त पूरी पार्टी के, पूरे देश के जननायक मोदी जी बने हैं, लोग उनके साथ हैं, पूरी तरह साथ हैं। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से लेकर अब तक 15,000 करोड़ से ज्यादा का बिजली विभाग को नुकसान हुआ है और किसानों को चोर कहकर उनके कनेक्शन काटे जाते हैं। मैं दो सवाल आपसे बताता हूँ, वो क्या करते हैं, हम इस बात पे नहीं जा रहे, हम अपना बता रहे हैं। पूरे देश में जितने एक्सावेटर बनते हैं उसका अकेला हरियाणा 60% बनाता है, पूरे देश की जितनी कारें बनती है उसका 51% हम बनाते हैं, पूरे देश की जो क्रेन बनती है 53% हम बनाते हैं, पूरे देश के मोटरसाइकिल बनते हैं 60% हम बनाते हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, पलवल, ये हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया है। अब आप ये देखिए, जितने ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, दिल्ली की सब इंडस्ट्री हमारे यहाँ आ रही है, दिल्ली से सारे जितने आपके ये वाटिका वाले, ये जो आपका अंसल हो गया, DLF हो गया, आपका TDI हो गया, सब ग्रुप हाउसेज दिल्ली के लोग यहाँ शिफ्ट करें। एक एक फ्लैट्स में 6-6, 5-5 कमरे हैं, सब में ऐसे लगे हम मीट आउट करें, कभी भी आज तक कोई क्राइसिस नहीं हुआ, हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। वो अपना बताए ना, वो क्या कर रहे हैं। अभी मुझे प्रेजिडेंट से अवार्ड मिला, सेकंड स्टेट कर्नाटका के बाद हरियाणा रहा है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। वो अपना बताए, सिवाय धरने बिना बात की बातों का कोई जवाब थोड़ा ही। उनका ये भी कहना है कि बिजली महंगी है सबसे ज्यादा हरियाणा में और इसी वजह से उद्योग भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप एक समझे कि 8 साल में हरियाणा अकेला राज्य है जिसने 8 साल में कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया। हमारे 8 साल पहले, जबकि यूक्रेन के वार के बाद डीजल के रेट भी बढ़ गए, कोयले के रेट बढ़ गए, सब बढ़ने के बाद भी हम वो मेंटेन कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है आगे घट सकती है बिजली के रेट? है जी, उम्मीद की जा सकती है घट सकते हैं। नहीं नहीं, अभी जब घटने बढ़ने का होगा तो आप लोगों को बता देंगे, अभी हमने कोई रिव्यू नहीं करा। अब तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को पूरे बिजली दी जाए, 24 घंटे दी जाए। पूरे देश में 84% गाँव पे हम जगमग योजना में हम दे रहे हैं बिजली। कभी भी देखिए, NCR में आते हैं और उसकी NGT की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जनरेटर नहीं चले, टोटल हमारे बंद है। उसके बाद भी हम मीट आउट कर रहे हैं। कितनी इंडस्ट्री आ रही है, मैंने आपसे बताया, तो इतना सारा कुछ बिना पावर के ये थोड़े ही होता है, कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सर, 2019 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो 2024 में फिर आपने भाजपा को समर्थन दे दिया था 2019 में, लेकिन 2024 में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, सब कुछ उस वक्त पर डिपेंड करता है। जब काउंटिंग हो रही तो मुझे ये नहीं पता था मुझे भाजपा को समर्थन देना पड़ेगा। कांग्रेस में छोड़ गया था, स्वाभिमानी आदमी वहाँ जा नहीं सकता था, मेरे सामने रास्ता ही था, लोगों से पूछा करेंगे BJP को सपोर्ट करो, मैंने BJP को समर्थन दे दिया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत कंफर्टेबली हम आपस में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, कोई इश्यू आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, पर मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा, ये तय है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भाजपा की सरकार में बेरोजगारी में नंबर वन है हरियाणा, शराब घोटाले की बात, देखिए मैं आरोप की बात पे नहीं, मैं आंकड़ों पे जा रहा हूँ। जो आपका नीति आयोग है, सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, वो ये कहता है कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें फास्ट ग्रोइंग में हरियाणा नंबर 2 पे आया है। अब आप ये बताइए, हरियाणा सबसे बढ़िया कर, पर कैपिटा इनकम में हम सबसे नंबर 1 पे आ रहे हैं, तो बेकार की बातें हैं। इन बातों में आरोप रोज लगाते हैं, उनके आरोपों का क्या जवाब है? जो बेसलेस आरोप है उनको मतलब नहीं। जी, बीते दिनों सर एक बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया था जिसमें 300 से ज्यादा जगह पर रेड की गई थी, इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे? देखिए, हमने 8 बार रैप साइमल्टेनियस किया, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हमारा जो लाइन लॉस था वो पहले 17.33 था, इस वक्त हमारा आप ये समझिए AT&C जो है
वो हमारा 9-9.5 के करीब आ जाएगा जो मार्च में हमारा आएगा उसमें। तो बहुत जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 300 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। सर, स्मार्ट ग्रिड के दौरान एक जो वायर है उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, लेकिन खामी ही रहती है कि खुदाई करने के बाद उसको ठीक नहीं किया जाता, जिसके कारण एक्सीडेंट खासकर गुरुग्राम में भी होते हैं, दुर्घटनाएं है। देखिए, जब कोई नई चीज़ पे आप जाते हैं तो उसमें ये खामी आती रहती है, पर उसका सुधार हो जाता है। कोई इशू नहीं। सर, मुझे एक सवाल पूछना था। सर, अभी ग्रेव का थर्ड चरण, तीसरा चरण लागू कर दिया गया है जी। ग्रेव का तीन एक बार फिर लागू कर दिया गया है सर। और क्या हो रहा है कि बिजली, मतलब कई जगह डीजल पे चल रही है, एक बिजली कटी हुई है सोसाइटी की, वो डीजल पे ही चल रही है, तो कैसे उनका काम कैसे होगा? कहाँ चल रही है बिजली? चल रही है एटली वहाँ पे बिजली कट रही है। सुनिए, हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन जो थी वो 12,500 मेगावाट की, आज तो हम 9,000 पे आ रहे हैं। हमसे पावर की कोई दिक्कत नहीं है। सर, किसी सोसाइटी में अगर डीजल से चल रहा है तो कैसे वो मैनेज करेंगे? देखिए, वो जब कोई इशू सामने आएगा तब देख लेंगे। कोई भी है सर, एटीएस ट्रैप सोसाइटी है, वहाँ पे पिछले 19 दिनों से तो हमारे जो ऑफिसर हैं कंसर्न ऑफिसर, उनसे आप मिलने जाके वो बता देंगे आपको, मुझे इसकी जानकारी देंगे। मैं आपसे सर, सेक्टर 104-112 में जारा आवास सोसाइटी है, जिसमें कोई विवाद चल रहा है आपसे बिल्डर्स का, जिसमें पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया का भी नाम है। किन किन का? हजारा आवास, सुखबीर कटारिया का नाम भी है उनमें, उनका विवाद बिल्डर से चल रहा है और इस वजह से सप्लाई काट गई है। वो पॉलिटिकल आदमी है, मुझे जब तक किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी उससे मैं कमेंट नहीं कर रहा। ठीक है।